और रायबरेली में चुनाव जहां राहुल गांधी लड़ रहे हैं, मेरठ और सॉरी अमेठी और रायबरेली दोनों जगह राहुल गांधी ने कहा कि मैं अमेठी जाऊं ना जाऊं, मेरे लिए रायबरेली जितना महत्व का है उतना ही अमेठी का है। तो आज आपने देखा होगा कि सनसनीबाजों का जो पूरा गैंग है उसने वहीं अड्डा जमा लिया। तैसी बात है, माल मिला होगा लोकसभा चुनाव में तो यही होता है। आपको यदि दिख गया कि कोई पत्रकार यदि पर्टिकुलरली किसी खास एरिया में है, किसी खास नेता का बार बार इंटरव्यू कर रहा है, इसका मतलब है कि माल वहां पहुंच गया है, साफ है। ये मतलब आप इतने दिन पत्रकार रहे, आपको सब समझ में आ रहा होगा। सनसनीबाज का एक वीडियो वायरल हुआ है सर, जिसमें सनसनीबाज किसी से पूछ रहा है तो कह रहा कि मेरा नाम साहू है, मेरे ट्विटर पे वो वीडियो है, लोग देख लेंगे। वो सनसनीबाज कह रहा कि अच्छा साहू जी बताइए क्या होगा चुनाव रायबरेली? तो यहाँ पर तो पहले सड़क ऐसा था, बस में जो छत से टकरा जाते थे तो इधर उधर झांकने लगा, सनसनीबाज लगा कि अपने मन का नहीं मिल रहा। फिर उसने कहा योगी और मोदी ने कमाल कर दिया, तो उसको धक्का मार करके सनसनीबाज निकल गया। आपका जो लखनऊ वाला जो सफेद दाढ़ी वाला जो चिरकुट है, जो अपने आप को हिंदू साहित्य का जो है वो समझता है, उसने आज कहा मोदी आ तो रहे हैं लेकिन बहुत ताकत के साथ नहीं आएंगे। और ये पूरा गैंग नैरेटिव बना रहा है कि रायबरेली में वोटिंग हमारा चचा गया, हमारा नाना गया, सबको देख रहा था मैं, रायबरेली में पूरा माहौल जो है वो बन रहा है। इधर ताल ठोक करके आज योगी ने भी कह दिया कि हार गया, मोदी ने भी कह दिया कि यदि ये जिस तरह से राहुल गांधी ने आज कह दिया कि बूथ जो है लूटे गए हैं, जो कमजोर होते जो हार रहा होता है ना वो इस तरह का आरोप लगाता, तो आपको लग रहा है राहुल गांधी ने एक तरह से हार स्वीकार कर ली? मनीष जी बड़ा रोचक प्रश्न है आपका। आज 49 सीटों पे जो चुनाव हुआ है उनमें इन्हीं 2 सीटों पे सबकी निगाह थी, इन्हीं 2 सीटों पे सबकी निगाह थी, और इसीलिए वो संविदा के पत्रकार, संविदा के ठेकेदार यहाँ लगाए गए थे सनसनीबाज जैसे, कि वो यही जैसे आपके यहाँ सोसाइटी में पहरेदार नहीं होते हैं जो गार्ड होते हैं कि 15 दिन ड्यूटी तुम्हारी दिन की, 15 दिन शाम की, तो उसकी 15 दिन की ड्यूटी अमेठी में लगा दी गई थी, वहीं वो चौकीदारी कर रहा था किशोरी लाल की। देखिए आज जो दर्शक हम लोग को देखते हैं मनीष जी, मैं अमेठी को लेकर मैं कभी शंका में नहीं रहा, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि अमेठी स्मृति ईरानी जीत रही है और पहली बार से ज्यादा बंपर जीत रही है, तो अमेठी को लेकर कोई संदेह नहीं था। रायबरेली नहीं, मगर आपको संदेह नहीं था, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि वो अपने नौकर को राहुल गांधी ने उतार दिया है और नौकर जब जीतेगा तो समझ में आएगा लोगों को कि नौकर जीत गया, मालिक उतरते तो क्या होता। आपकी बात को आगे करने से पहले जरा सा हम रायबरेली में वो वाला वीडियो देख लेते सर। ये राहुल गांधी आज रायबरेली पहुंचा था, ये इतना स्टार प्रचारक है और रायबरेली पहुंचा, टहल टहल मार रहा था तो लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। ये कह रहा था कि बूथ जो है कैप्चर कर लिया, जैसा देखिएगा। मतलब ये गति हो गई कि चुनाव के दिन खुद रायबरेली पहुंच गया, वहां इसका तो वोट था नहीं भाई साहब, तो फिर जहां जहां घूम रहा है लोग जय श्री राम जय श्री राम, उसके बाद आरोप लगाया कि बूथ जो है कुछ जगह वोटिंग जो है गलत हुई है, गलत तरीके से चीजें हुई है। जी नहीं, चुनाव का मनीष जी मैंने कहा अमेठी तो बिल्कुल निश्चिंत है, अमेठी को लेकर मेरे मन में कभी शंका नहीं रही कि स्मृति ईरानी चुनाव हार रही, ये कहीं नहीं था, ये इन्हीं लोगों ने माहौल बना दिया था, सनसनीबाज जैसे ठेके के जो पत्रकार वहां पहुंचे थे किसी ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, और कोई इस सनसनीबाज को कोई वहां मिल ही नहीं रहा था जो स्मृति ईरानी ने क्या कराया इसके बारे में बताए। और जरा ताजुब देखिए मनीष जी, दुनिया के चैनलों के पत्रकारों ने जाके स्मृति ईरानी से बात कर ली, ये 15 दिन तक इसको स्मृति ईरानी नहीं मिली जिनसे ये बात कर पाए, तो क्योंकि वो इसको 15 मिनट में इसको नंगा कर देती जो एजेंडा चला रहा था, तो ये गया नहीं वहां पे। लेकिन इस अमेठी छोड़िए, अमेठी तो निश्चिंत है, अमेठी स्मृति ईरानी जीत रही बड़े कंफर्टेबल मार्जिन से। रायबरेली को लेकर मैं भी सहमत था कि रायबरेली में वो हम लोगों ने कहा भी था कि वो जो प्रत्याशी है उसका कद राहुल गांधी के सामने बहुत छोटा हो जाता है, चाहे स्थानीय नेता, और स्थानीय नेता में भी कोई बड़ा लोकप्रिय कोई बड़ा विशाल व्यक्ति तो उनका नहीं कि कोई रायबरेली के बड़े महानायक हो, ऐसा भी कुछ नहीं था, जितने चाहने वाले उतने आलोचना करने वाले। राहुल गांधी राष्ट्रीय नेता कांग्रेस का पारिवारिक, तो मैं भी ये मान रहा था और मनीष जी आप भी मिले, एक बड़े भाई है मेरे, तो हम लोग इस बात पे हम दोनों सहमत थे कि हाँ राहुल गांधी रायबरेली से जीत जाएगा चुनाव, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब जो खबर आ रही है और आपके इस वीडियो ने तो पुष्टि कर दी,
राहुल गांधी चुनाव हार रहा है रायबरेली से, ये बड़ा एक करिश्मा होगा, मैं मतलब मेरे लिए अविश्वसनीय है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो नहीं हारना चाहिए था। लेकिन अगर राहुल गांधी चुनाव हारता है तो इसका श्रेय मनीष जी केवल एक आदमी को जाता है, और उस आदमी, और अगर अगर राहुल गांधी चुनाव हार रहा है रायबरेली से, जो कि अब कई ठीक ठाक लोग कह रहे हैं, जो कांग्रेसी हैं वो कह रहे हैं, ये भी बता दूं, नाम नहीं लूंगा नहीं तो उनका जीना हराम कर देंगे ये लोग, जो जो अभी 2 दिन 4 दिन पहले तक कह रहे थे कि नहीं नहीं राहुल जीत रहे हैं, बड़े आराम से जीत रहे हैं, वो भी कह रहे थे कि अमेठी हार जाएंगे लेकिन हाँ राहुल जीतेगा, वो अब कह रहे हैं कि राहुल गांधी चुनाव हार गए तो उसका उसका श्रेय केवल एक व्यक्ति को जाता है, और अगर राहुल गांधी चुनाव हार गए तो फिर जो कहा जाता है अमित शाह के लिए कि राजनीति का चाणक्य, तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ वास्तव में अमित शाह चाणक्य हैं, क्योंकि रायबरेली में राहुल गांधी का हार तो हारी हुई बाजी को पलट देने का काम अमित शाह ने किया है, और वो अद्भुत खेल किया है, वो अद्भुत खेल किया, परिणाम जो भी हो, लेकिन जैसे अभी आपने वीडियो दिखाया यही नजारा पूरे रायबरेली का है कि वहां पर मनीष जी अभी शुक्रवार को अमित शाह आए थे, दोबारा पहुंचे, एक बार रैली कर गए थे उसके बाद वो दोबारा पहुंचे शुक्रवार को, और मनोज पांडे जो समाजवादी पार्टी के विधायक अब भाजपा में शामिल है, तो उस शामिल किया, और फिर मनोज पांडे के घर में 5-6 घंटे गुजारे, और पूरे जिले के नेताओं को बुलाया जिनको जो ठीक ठाक लोग थे, और उसके बाद अमित शाह तो खाना आना खा के वहां 4-5 घंटे गुजार के जब वहां से निकले हैं मनोज पांडे के घर से, उसके बाद रायबरेली में केवल एक ही नारा गूंज रहा था, और जब मैंने सुना तो मैं हतप्रभ भी रह गया, मैंने कहा क्या कमाल है, और वो नारे ने जमीन पे गजब का असर दिखाया है, दर्शक समझ लें कि मैं राहुल गांधी की जीत इसलिए मान रहा था तय कि राहुल गांधी का कद बड़ा है, और दिनेश दिनेश प्रताप सिंह ना तो उतने लोकप्रिय व्यक्ति हैं, ना दिनेश प्रताप का वो कद है जैसा राहुल गांधी का कद है। मनीष जी अमित शाह के निकलने के बाद से रायबरेली में एक नारा गली गली चलने लगा कि दिनेश नहीं देश पहले, ये रायबरेली की जबान पे था, दिनेश नहीं देश पहले, और वो उस नारे ने कैसा कहर ढाया है, ये उस कांग्रेसी नेता ने ही का बयान है कि भैया उसके बाद पूरी फिजा बदल गई पिछले 2-3 दिन के अंदर, और राहुल गांधी आज की तारीख में चुनाव हार रहे हैं, ये कांग्रेसी की स्वीकारोक्ति है, तो मैं क्योंकि हम लोग तो मैं अपने कार्यक्रम में भी कह चुका था कि राहुल गांधी चुनाव जीत जाएंगे रायबरेली से, लेकिन ये पूरा प्रकरण ये जो मैंने आपको सुनाया ये उसी आदमी की जुबानी है कि मनोज पांडे के यहाँ के बैठक के बाद रायबरेली के गांव गांव में ये नारा चलने लगा कि दिनेश नहीं देश, तो वो जो दिनेश दिनेश प्रताप का जो एक ही माइनस पॉइंट था कि कद बड़ा छोटा है, नाराज है लोग फलाना दिमाका, तो उसको अमित शाह ने एक बैठक में लोग बुला के और किस तरह से वो पूरा वहां पे प्रचार कराया है, तो वास्तव में मास्टर स्ट्रोक है अगर राहुल गांधी का चुनाव हार जाते हो, मैं आज की तारीख में मान रहा हूँ, क्योंकि जब आपकी ही पार्टी का व्यक्ति कहने लगे, और वो सामान्य व्यक्ति नहीं मतलब उस आदमी की एक ठीक ठाक भूमिका है कांग्रेस के अंदर, और वो आज आज की तारीख में वोटिंग के बाद ये स्वीकार रहा है कि राहुल गांधी चुनाव हार गए, राहुल गांधी खुद ही कह रहा बूथ लूट लिया गया, फलाना कर दिया गया, धमाका कर दिया, अब ये नजारा आपने दिखाया, तो अब इसकी प्रतीक्षा हम लोग 4 जून को करते हैं, लेकिन मैंने कहा कि अगर ये हुआ है तो अमित शाह को वास्तव में लोहा मानना पड़ेगा कि वो आदमी राजनीति का चाणक्य है, कि बिल्कुल रायबरेली हारी हुई सीट थी, कोई कोई नहीं कह रहा था कि हम जीतेंगे, लेकिन शुक्रवार को अमित शाह के दौरे और उस बैठक के बाद माहौल बदल गया, और आज की तारीख में तो लोग सब कह रहे हैं कि राहुल गांधी रायबरेली हार रहा है, देखे क्या होता है। सर, याद होगा एक दिन पिछले आज हम लोग चर्चा कर रहे थे तो हमने कहा था क्या अमित शाह ने जानबूझ करके एक हल्का उम्मीदवार उतारा है, पासा फेंका है, ताकि राहुल गांधी इस उम्मीद में आ जाए कि अब तो हम जीत ही जाएंगे। क्योंकि रायबरेली के लिए कहा जा रहा था कि नुपुर शर्मा को दिया जाना चाहिए, स्मृति ईरानी को उतारा जाना चाहिए, सब लोग बड़े बड़े एक लोकप्रिय चेहरे चाह रहे थे, लेकिन शाह ने जानबूझ करके एक अनजान से चेहरे को उतारा। कहते ना कि मछली पकड़ने से पहले जो चारा डाला जाता है, वैसा डाला गया कि लालच में कांग्रेस आ जाए, अरे दिनेश को तो हम हरा ही देंगे। और उसके बाद अंतिम समय में शाह ने वो शह मारी है जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि चाणक्य वाली राजनीति है ये। हाँ मतलब रायबरेली नारा चल गया कि दिनेश नहीं देश, तो वो देश से बड़ा थोड़ी राहुल गांधी, मतलब दिनेश से राहुल बड़ा गांधी को था। फंसाया गया कि आ बेटा तू यहां आ जा, वरना राहुल हाँ लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। जो तो बात अभी राहुल आपने गांधी कही, को जो बात आपने कही मनीष जी, ये जो रणनीतिकार ये यूट्यूबर खैराती है घूम रहे हैं,
अमित शाह ने पलट के बाजी दूसरा बिल्कुल उलट दी है बाजी। ये कह रहे थे ना कि राहुल गांधी के नौकर से हम स्मृति ईरानी को हरवा देंगे, तो नौकर तो नहीं लेकिन हाँ जो वजीर है भाजपा का, उसने बताया कि हमारे हमारी जरूरत नहीं है, हमारे किसी बड़े नेता की जरूरत नहीं है, हमारा मोहरा तुमको हराएगा राहुल गांधी। अभी तक तो स्मृति ईरानी तो थोड़ा बड़ा चेहरा था, बड़ा नाम था, बड़े सेलिब्रिटी थी। दिनेश प्रताप सिंह स्थानीय नेता, एक तरह लोकल लीडर आप कह सकते हैं, और वो आदमी आज की तारीख में तो ये चर्चा तो हो ही गई कि राहुल गांधी को पटकनी देने जा रहा है रायबरेली से।